नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, पुनर्बार आपण मानंकु सुप्रभात आ नमस्कार जणाए। जीवंत आहार आज दैनिक बाइबल को आपण मानंकु स्वागत जणाए। आसंतु आम्भे माने आज मध्य बाइबल रु किछ अंश को ध्यान करिबा। आज ध्यान निमन्ते माथियो लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद रु 12 पद पर्यंत आम्भे माने चिंता करिबा। बाप्तिजक जहनंकर मृत्यु आजिर मुख्य प्रसंग अटे। एठारे प्रकार लेखा जाए, सही समय रे सामंत राजा हेरोद जीशुंक संबंधियों समाचार शुणी अपना दास मानंकु कहिले, ए बाप्तिजक जहन से मृत मानंकु मध्यरु उठि अछन्ते। सेति सकाशे एही समस्त शक्ति ताहंक ठारे कार्य करुअछि। जेणु हेरोद अपना भ्राता फिलिपंक भार्या हेरोदियांक सकाशे जहनंकु धरि ओ बांधी बंदीशाळारे पकाइथिले, कारण जहन तांकु कहुथिले एहाकु रखिबा आपणंकर विधिसंगत नुहे। आउ से तांकु बध करिबाकु इच्छा कले सुधा लोक समूहकु भय कले, कारण सेमाने तांकु भाववादी बोली मानुथिले। किन्तु हेरोदंक जन्मदिन पडन्ते हेरोदियांक कन्या सभा मध्यरे नृत्य करी हेरोदंकु मुग्ध करिदेला। सेथिरे से शपथ करि प्रतिज्ञा कले जे से जहा किछि मागिब से ताहाकु ताहा देबे। आउ से आपणा मार शिक्षारे पढ़ी कहिला, बाप्तिजक जहनर मस्तक एठारे गोटे थाळीरे मते दियंतु। एथिरे राजा दुखित हेले सुधा निज शपथ ओ आपणा सहित भोजिर उपविष्ट व्यक्तिमानंक सकाशे ताहा देबाकु आज्ञा कले। पुणि लोक पठाई बंदीशाळारे जहनंक मस्तक छेदन कराइले। आउ ताहांकर मस्तक गोटे थाळीरे अणा जाय सही बालिकाकु दियागला। पुणि से आपणा मा निकटकु ताहा घेनिगला। सेथिरे ताहांक शिष्य माने आसी सब घेनि जाय ताहांकु समाधि देले ओ जाय जीशुंकु जणाइले। पठित शास्त्रांशरे ईश्वर आम समस्तंकु आशीर्वाद करन्तु। हेरोद जेतेबेळे जाणिले जे जीशुंक द्वारा महान चमत्कार कार्य सबु साधित होउछि, से भयग्रस्त हेले, कारण से कहिले ए जहन जहांकु से बध करिथिले, जहांकर मस्तक छेदन करिथिले, से भाबिले सेही जहन मृतमानक मध्यरु उठि अछन्ते। आ जहनंकु बध करिवार कारण हला कि हेरोद तांको भ्रातांक भार्या हेरोदियांकु से तांकर पत्नी भाबरे रखिथिले, जहांकु जहन विरोध करुथिले। एणु हेरोद जदियो तांकु बध करिबाकु इच्छा करुथिले, किंतु से लोकमानंकु भय करुथिले, कारण लोकमाने ताहांकु जणे भाववादी बोली मने करुथिले। किंतु हेरोदंक जन्मदिनरे तांकर कन्या हेरोदियांकर कन्या नृत्य करि हेरोदंक मनकु ओ सभारे उपविष्ट लोकमानंकर मनकु मुग्ध करिबारु हेरोद प्रतिज्ञा कले से जहां मागिबे ताहा से ताहांकु देबे। आउ से कन्या तांको मातांकर परामर्श अनुसारे से जहनंकर मस्तक मागिले। एथिरे हेरोद दुखित होइथिले, किंतु तांकर प्रतिज्ञा सकाशे तांको मस्तक छेदन करी से कन्या को देबाकु आज्ञा कले। आजिर शास्त्रांशरु ईश्वर आम्भमानंकु कौन शिखांती, आसंतु आम्भे माने शिखिबा ओ ताहाकु कार्यरे लगाइबा। जने धार्मिक व्यक्ति मृत हेले मध्य से विजयी अटे। दुष्ट लोक ताहार शक्तिर अपव्यवहार करी धार्मिक को दंड दे पारे एवं तार दुष्टता को तार पाप को घोड़ाइबा को चेष्टा करी पारे, किंतु धार्मिक केबे पराजित हुए नहीं कि तार दोष ताहार पाप सब दिन पाए घोड़ा होई रही पारिबो नहीं, कारण ईश्वर दिने ताहार विचार करिवे। मंद शक्ति केबे मध्य धार्मिकता को पराजित करि पारिबो नहीं। आउ एही सत्य को जीशु तांकर मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थित हेबा द्वारा प्रतिपादन कले। एणु प्रिय दर्शक बंधु, आमे दुष्टता को केबे भय करिबा नहीं। दुष्टता को भय करि धार्मिकर पथ को परित्याग करिबा नहीं। सबुबेले धार्मिकतार पथ अवलंबन करि
ईश्वर को गौरव दबा ए जगत रे निश्चय दुख और ताड़ना मिली पारे किंतु आमे जानु दिने धार्मिक माने विजय रो मुकुट प्राप्त हेबे। धार्मिक सर्वदा ताड़ना प्राप्त होइथा कारण तार जीवन द्वारा धार्मिकता को से प्रकाश करे कारण जगत से प्रकार धार्मिकता को जाने ना एणु से ताड़ना करे। यहाँ ही कृषर पथ अटे यहाँ ही शिष्य मानकर चिन्ह अटे तेणु आसु आम आपणा आपणा कृष बहन कर सबुदिन प्रभु पथरे चलू कारण से आम मान कृष बहन कर अनुगमन करने निम्ते बाछी अे कृष बहन कर पचर चले से प्रकृत शिष्य अटे। आज आम निज निज को परीक्षा करू आम कौन प्रकृत शिष्य भाव आचरण करूछु। प्रभु आज ध्यान आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर आसतु आम्भ मैंने प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद आज दिन पाए हाँ प्रभु धार्मिकतार पथ को जपर न छाड़बु कृष बहन कर सर्वदा तुम पक्षर चलू और तुम प्रकृत शिष्य हो पारू एंभ मान सा करीशुं नाम। आमेन।